स्वागत है आपका इनकलाब टीवी। गोपालगंज जिले के हथुआ में मदर इंडिया पब्लिक स्कूल में मुशायरे व कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लाइन बाजार में एक निजी विद्यालय मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के स्थापना दिवस पर आज शाम 7 बजे से शायरों एवं कवियों की महासम्मेलन का आयोजन विद्यालय के प्रबंध निदेशक आजाद आलम ने किया है, जिसके मुख्य अतिथि गोपालगंज जिला पदाधिकारी अरशद अजीज एवं विशिष्ट अतिथि आरक्षी अधीक्षक गोपालगंज मनोज तिवारी होंगे। इस सम्मेलन में देश विदेश के नामी गिरामी कवियों एवं शायरों को निमंत्रण भेजा गया है तथा उनके शिरकत करने की सूचना मिली है। इस बात की जानकारी आज स्कूल के प्रबंध निदेशक आजाद आलम ने दी। उन्होंने बताया कि आज समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, परंतु इस मुशायरे सह कवि सम्मेलन के माध्यम से हमने लोगों को दिलों में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की है तथा इस बात पर हमने जोर दिया है कि शिक्षा से समाज को बदला जा सकता है और जहां शिक्षा रहेगा लोगों के दिलों में अमन चैन और प्यार मोहब्बत रहेगा। इस सम्मेलन में शाइस्ता सना, निखत अमरोही, मजीद देवबंदी, सुनील कुमार तंग, सरला शुक्ला सहित नेपाल एवं हिंदुस्तान के कई कवियों एवं शायरों की शिरकत करने की उम्मीद है। मदर इंडिया पब्लिक स्कूल का संचालक हूँ और अपने विद्यालय पर फाउंडेशन डे के मौके पर कवि सम्मेलन समुशायरा का आयोजन 7 मार्च 2020 को रखा हुआ है। इस मुशायरे का मुख्य उद्देश्य है कि अपने इलाके के जो भी फैमिली हैं, हमारे इलाके से जो भी बच्चे हैं जिनके शिक्षा पर बल देना है और एजुकेशन के प्रति उनका रुझान बढ़ाना है और साथ ही साथ समाज में मैक्सिमम लोग तो लोगों के दिल तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस मुशायरे से एक इंसान से दूसरे इंसान के दिलों को जोड़ने का काम किया है। इसमें इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी महोदय गोपालगंज मिस्टर अरशद अजीज साहब हैं और विशिष्ट अतिथि जिला पुलिस पदाधिकारी मिस्टर मनोज तिवारी जी हैं तथा जिला एवं प्रदेश के माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री राम सेवक जी भी हैं और बहुत सारे नेतागण जो इस समाज में एक सही पहचान लेते हुए इस समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति रुझान पैदा करने में सहायक सिद्ध होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुशायरे से समाज को एक नया संदेश जाएगा और एक से एक दिलों को जोड़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ हमारे इलाके में शिक्षा पर विशेष बल मिलेगा और लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा होगी। धन्यवाद।